हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा चैनल पेंडू नुस्खे दे विच, जिस विच अक्सर आपां गलबात करदे आं पेंडू ते देसी नुस्खियां बारे, जिस नाल तुसी घर बैठ के अपने शरीर दा ख्याल रख सकते हो कुछ देसी ते घरेलू उपायां नाल, जेकर तुसी कोई भी बीमारी तो ग्रस्त हो। सो दोस्तों, शुरू करदे आं अज दी वीडियो, पर वीडियो शुरू करन तो पहला एक छोटी जिही बेनती, जेकर तुसी साडे चैनल पेंडू नुस्खे ते नवे हो तां तुसी सब तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, नाल ही नाल बैल आइकन दबाउणा ना भुलना, ताकि तुहाडे तक साडीआं नवीआं वीडियोस दा डोज जां नवीं वीडियोस दी अपडेट नोटिफिकेशन राही सब तो पहला पहुंच सके। दोस्तों, घर विच साडे बहुत सारीयां जेहियां चीजां पईयां हुंदियां ने, जिन्हां दी वरतों नाल असी कई बीमारियां तो खेड़ा छुड़वा सकते हां। आओ दसदे हां कि तुहानूं हिंग दे की फायदे ने। दोस्तों, जेकर दंदां नूं कीड़ा लग जाए तां रात नूं दंदां विच हिंग दबा के सो जाओ, कीड़े खुद बखुद निकल जाणगे। जे शरीर दे किसे हिस्से विच कंडा चुभ जावे तां उस दी थां हिंग दा घोल भर दिओ, कुछ समें विच कंडा बाहर निकल जावेगा। इसे दे नाल ही हिंग विच रोग नाशक होण दा गुण है। दात, खाज, खुजली, होर चमड़ी दे रोगां विच इस नूं पानी विच रगड़ के उहनां थावां ते लगाउण नाल लाभ हुंदा है। हिंग दा लेप बवासीर, तिल्ली अते उदर शोध विच लाभदायक है। कब्ज़ दी शिकायत होण ते हिंग दे चूरण विच थोड़ा जिहा मिठा सोडा मिला के रात तो लाओ, सवेरे राहत महसूस करोगे। पेट दर्द, अफारे आदि विच अजवैन ते नमक नाल हिंग दा सेवन करो तां लाभ मिलेगा। इस अलावा दोस्तों, पेट विच कीड़े होण तां हिंग नूं पानी विच घोल के अनीमिया लैण नाल पेट दे कीड़े भी छेती निकल जांदे ने। जख्म जे कुछ समय तक खुले रहे उस विच छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जांदे ने, ते जख्म ते हिंग दा चूरण पाउण नाल जीवाणु भी नष्ट हो जांदे ने। इसे दे नाल ही हर रोज दे भोजन विच दाल, कढ़ी ते कुछ सब्जियां विच हिंग दी वरतों करो, ते इसे नाल भोजन नूं जो पचाउण विच आसानी हो जांदी है। सो दोस्तों, हिंग दे कुछ फायदे ने जिन्हां नाल बहुत सारियां बीमारियां दूर हो जांदियां ने। सो दोस्तों, इह सी साडी अज दी वीडियो, उम्मीद करदे आं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਇਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।